हम सुनते थे यार 19वीं सदी ब्रिटिशर्स की है, 20वीं सदी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की, और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े साइंटिस्ट हमें बोल के गए कि 21वीं सदी जो है वो इंडियंस की होगी। और उसी ऑप्टिमिज्म को लेके हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे कि यार एक दिन इंडिया भी एक सुपर पावर बन रहा होगा। मैं पिछले 5-6 साल से बच्चों को ये बोलता था यार कुछ ऐसा काम करो अपने लाइफ में कि वैल्यू एडिशन हो रहा हो, जिससे 20-30 साल बाद हम एक सुपर पावर की तरह आ रहे हों। हम अगर वर्ल्ड के सबसे यंग नेशन हैं तो ऐसी कौन सी कमी हमारे अंदर पड़ रही है कि हम वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे। और दिक्कत सारी की सारी माइंडसेट के अंदर है। दिक्कत यह है कि हमारा दिन स्टार्ट होता है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ। हम खोल लेते हैं कि यार हमारे रील्स के अंदर क्या चल रहा है। हमें यह नहीं पता कि कितनी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कितनी हमारे लिए हानिकारक है, कौन कौन सी चीज के ऊपर हमें काम कराया जा रहा है। हम एक ऐसे मुकाम पर मोड़ पर आज खड़े हैं कि या तो 20-30 साल के अंदर हम एक्सट्रीमली वेल कर जाएंगे या फिर 20-30 साल के अंदर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिट पड़ेगा। और वो इतना स्ट्रॉन्ग हिट हो सकता है कि आपको जब वो पड़े तो हो सकता है बहुत मुश्किल हो वापस खड़े होना। पर मेरा मानना है जो माइंडसेट है उसे बनने में सालों लगते हैं। तो चीजें जो मैटर करती हैं वो ये कि जब आपकी जिंदगी समाप्त हो रही होगी 70 साल की उम्र में, आप अपनी जिंदगी को मुड़ के देखें, आप ये देखें कि यार वाह क्या जिंदगी जी के आया। एक ऐसी अपने बारे में किताब, लाइफ स्टोरी आप लिखें कि यार 20 साल की उम्र में ये, 23 की ये, 25 की ये, 27 की ये, मैंने अपनी एक अच्छी करियर किया, एक अच्छी फैमिली लाइफ जी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खुश हैं, मैं उन्हें बहुत खुश कर पाया, प्लस मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी मेंटल पीस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत अवेयर हूं मैं कोई भी चीज क्यों कर रहा हूं उस चीज के बारे में। वो है आपने फुलफिल्ड लाइफ जी। आपके लाइफ में एडवेंचर था, आपने रिस्क करा, आपने वैल्यू एडिशन किया।